Assalamu alaikum, dear students of class 9th. Today we will read the next part, part number 2nd of your play, A Basket Full of Sea Trout, written by Neil Grant. This play is full of suspense, and this play has been played in a single room, property of Lord Findron. Now we will read on page number 117, my dear students. Now let's read. ब्रोडी, नो थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. बोथ लाफ, दोनों हंस पड़े. टुमारो, कल. इफ़ यू लाइक, अगर आप चाहते हो. क्या? नॉट टुनाइट, आज नहीं. अगर क्या, आप क्या चाहते हो? अगर आप भी ये अजीबोगरीब आवाज़ें सुनना चाहते हो, लेकिन आज नहीं. नॉट टुनाइट, आज रात को नहीं. जज, वेल ठीक है, आई एम यूज टू दिस प्लेस, मैं इस जगह को इस्तेमाल कर रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ पर बैठ चुका हूँ. आई एडमिट, मैं तस्लीम करता हूँ, दैट टू नाइट इज जम्पी, आज कुछ तेज होने वाला है. इट परहैप्स दैट वेरी पिक्यूलर विंड वी हैव हैड ऑल डे, मतलब आज पूरे दिन हमने एक अजीबोगरीब तूफान देखा, अजीबोगरीब तूफान देखा, इसीलिए इट मस्ट बी जम्पी टू नाइट. अच्छा ब्रोडी, बट यू रादर लाइक लोनलीनेस, मगर आप क्या करते हो, आप फिर भी तन्हाई पसंद करते हो, इसके बजाय भी आप तन्हाई पसंद करते हो. जज, गुड थिंग फॉर मी, मेरे लिए अच्छी बात है. आई एनी जज इज ए सॉलिटरी सॉर्ट ऑफ फेलो, कोई भी जज साथी की तरह, दूसरे साथी की तरह क्या होता है, तन्हा महसूस करता है. यू हैव नो आइडिया, आपको मतलब आइडिया, अंदाजा नहीं होगा, हाउ लोनली ए जज फील्स, एक जज कितना तन्हा अपने आप को महसूस करता है ऑन ए बेंच पे, मच मोर लोनली देन द लैड इन द डॉक अपोजिट हिम, एक उस लड़के की तरह, मतलब उस लड़के से ज्यादा अपने आप को तन्हा महसूस करता है जो लड़का कटघरी में अकेले खड़ा होता है अपोजिट जज के सामने. एंड देन आई एम बैचलर, और मैं बैचलर हूँ. राइजेज कर्टेन, पर्दा उठता है. वट अबाउट ए गिलास ऑफ पोर्ट, आप मुझे बताओ बंदरगाह के गिलास का क्या होगा. ब्रोडी, थैंक यू जज, आपका शुक्रिया. जज, 1900, वो बताता है उसे जज क्या, 1900. ही पियर्स आउट टू गिलासेस, वो क्या करता है, ऑन द सी टेबल, वो सी टेबल पे दो गिलास जोड़ देता है. I have always found old wine. मैंने देखा है पुरानी शराब a good cure for new nerves. मतलब कच्चे एहसाब के लिए, नए कच्चे रगों के लिए मैंने पुरानी शराब बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुई देखी है. जज, sit down, बैठो, and toast each other. उन्होंने शराब को टोस्ट कर दिया, मतलब आपस में गिलास टकरा दी. ब्रूडी, गुड लक जज, आप मतलब आपके लिए गुड लक हो. एज ब्रूडी इज अबाउट टू रेज हिज गिलास अगेन, ब्रूडी once again he wants to raise his glass, अपना glass फिर से उठाना चाहता है. The center door silently opened, जो center का दरवाजा है वो आहिस्ता आहिस्ता खुल जाता है. There enters very quickly, very quietly Jane Lomond, बड़ी खामोशी से वहाँ अंदर जाती है एक लेडी जिसका नाम Jane Lomond होता है, वो कमरे के अंदर जाती है. अब दो इंसान वहाँ पर रह गए, जज ब्रोडी और ये तीसरी औरत कौन आ गई, Jane Lomond. शी इज मिडल एजड, वो मिडल एजड है, न ज्यादा बूढ़ी है और न ज्यादा जवान दिखती है. अ पीजेंट अपीयरेंस, वो किसानों की खानदान से लगती है कि ताल्लुक रखती है. शी इज डार्क, मतलब वो अंधेरे में. स्टेटली, बाशऊर. स्टर्न, पस्त. विद एन एयर ऑफ डिस्टिंक्शन, मतलब इम्तियाज की हवा के साथ, इम्तियाजी हवा के साथ. मतलब इम्तियाजी हवा किसको बोलते हैं, मतलब उसमें कुछ ऐसा लगता है, दैट शी वांट, मतलब वो ऐसी लग रही थी उसमें कुछ है, मतलब वो कुछ इल्म रखती है. अच्छा, शी वियर्स अ कर्चीफ राउंड हर हेड, उसने रुमाल अपने सर पे ऊपर ओढ़ी थी. शी शट्स डोर क्वाइटली, उसने खामोशी से दरवाजा बंद किया. एंड स्टैंड्स मोशनलेस फॉर सेकंड, वो बिना हिले डुले एक ही जड़ा खड़ा हो गई कुछ सेकंड के लिए. ब्रोडी हैज रेज्ड हिज ग्लास टू लिप हिज लिप्स, ब्रोडी ने अपना गिलास उठाया ताकि वो अपने होंठों तक ले जाए. डूइंग सेम व्हेन ब्रोडी सीज जेन, तो जज ने भी ऐसा ही किया जब उसने ब्रोडी को देख लिया. ब्रोडी सीज जेन, वो जेन को देख रहा है. ही जंप्स, वो खड़ा हो गया. गुड गॉड, अरे खुदा, ए मालिक. ही राइजेज एंड स्टीयर्स एट द वुमेन, वो खड़ा हो गया और घूरने लगा इस औरत को, किसको, Jane Lomond को, वो घूरने लगा. जज, ए, ही लुक्स राउंड एंड ऑल्सो राइजेज, उसने इर्द गिर्द देखा और वो भी खड़ा हो गया. बोथ ऑफ देम पुटिंग डाउन देयर ग्लासेस, दोनों ने अपने गिलासे नीचे रख दिए. शी स्टैंड्स सी,
वो खड़ा हो गई सी की ओर, बिहाइंड द टेबल मोशनलेस, टेबल के पीछे, सी टेबल के पीछे वो खड़ा हो गई मोशनलेस, बिना हिले डिले, इकट्ठे, मतलब जस्ट लाइक ए स्टैचू। जज एड्रेसेस हर, जज ने मुखातिब होकर उसे कहा, हू आर यू, आप कौन हो? जेन कुड सेज, लोमोंड, मिस जेन लोमोंड इज माई नेम, मेरा नाम क्या है? मिस लोमोंड, माई लॉर्ड, मेरे मालिक। शी स्पीक स्लोली, उसने आहिस्ता से जवाब दिया, मेरा नाम मिस लोमोंड है सर, एंड विद डिग्निटी, बड़े इज्जत के साथ, क्योंकि जज था आगे, उसे पता थी जज था। जज ग्रेवली, सीरियसली, हाउ डू यू गेट इन हियर, आप अंदर कैसे आ गई? जेन, आई जस्ट कम बाय द डोर, मैं दरवाजे से आ गई। जज, विदाउट नॉकिंग, आपने खटखट दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया, नॉक क्यों नहीं किया? जेन, विदाउट नॉकिंग माई लॉर्ड, आप क्या बताते हो विदाउट नॉकिंग माई लॉर्ड, मेरे मालिक। टर्न द पेज माइंड, जज, अनयूजुअल बिहेवियर इजंट इट, क्या ये अनयूजुअल स्ट्रेंज बिहेवियर नहीं है, आप बिना दरवाजा खटखटाए अंदर आ गई? जीन, विदाउट बचिंग, सर घुमाए बगैर, क्या अनयूजुअल इट इज माई लॉर्ड, क्या ये अनयूजुअल है, गैर मामूली है माई डियर लॉर्ड, ए पॉज, फिर कुछ देर के लिए रुकी। यू रिमेंबर मी मे बी माई लॉर्ड, आप मुझे याद कर सकते हो मेरे मालिक, आप मुझे याद कर सकते हो मैं कौन हूँ? जज, आई डू, मैं कर सकता हूँ। ब्रूडी, आई रिमेंबर यू टू, ब्रूडी बताता है मुझे आप याद हो। जज, यू आर द मदर ऑफ हेक्टर लोमोंड, आप मदर हो, आप हेक्टर लोमोंड की माँ हो, एंड यू हैव गिव एविडेंस एट हिज ट्रायल, आपने अपने मुकदमे पे सबूत पेश किया था। जेन, आई एम हिज मदर, मैं उसकी माँ हूँ, एंड आई गिव एविडेंस एट हिज ट्रायल, मैंने सबूत पेश किया था उसके मुकदमे पे। ब्रूडी, वायर इज योर सन, आपका बेटा कहाँ है? जेन, ही इज लेफ्ट फॉर कैनेडा यस्टरडे सर, वो कल रात कैनेडा के लिए रवाना हो गया। जज, हाउ डिड यू गेट हियर, आप यहाँ से कैसे आ गई? जेन, आई वॉकड, मैं पैदल चल के आ गई। जज, ऑल द वे फ्रॉम द बे, क्या आप साहिल समंदर से आ गई? जेन, यस, यू मस्ट बी टायर्ड, प्लीज सिट डाउन, आप थकी हुई होगी, आप बैठो, प्लीज सिट डाउन। जेन, थैंक यू माई लॉर्ड, मेरे मालिक शुक्रिया, बट आई रादर स्टैंड, मैं इसके बजाय खड़ा होना ही पसंद करती हूँ। जज, नो नो, नहीं नहीं, एंड ही प्लेसेस हिज चेयर, उसने अपनी कुर्सी रखी फार हर उसके लिए। शी सिट्स डाउन विद डिग्निटी, वो बड़े इज्जत के साथ नीचे बैठ गई। जज स्टैंड्स आर फेसिंग हर, जज आर पे खड़ा हो गया, मतलब आर टेलीफोन का नाम था और उससे फेस कर रहा था, मतलब उसके साथ बात कर रहा था। व्हाई हैव यू कम हियर, मुझे बताओ आप यहाँ किस लिए आ गई हो? जेन, टू थैंक यू माई लॉर्ड, मेरे मालिक, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, करने के लिए आई हूँ यहाँ पे। जज, फॉर वट, किस लिए? जेन, फॉर फ्रीइंग माई सन फ्रॉम द कैलोस, मेरे बेटे को फांसी देने से बचाने के लिए मैं यहाँ पे आ गई हूँ, आपको आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। जज, आई डिड नॉट फ्री हिम, मैंने उसको आज़ाद नहीं किया, द ज्यूरी फाउंड हिम नॉट गिल्टी, जो ज्यूरी मेंबर्स पे वहाँ पे थे उन्होंने उसे वहाँ के क्या पाया, नॉट गिल्टी पाया, मतलब उसकी कोई गलती नहीं थी, बेकसूर पाया उसे। And therefore I had no alternative, मुझे कोई मुतबादिल वाक तरीका नहीं था but to set him at liberty, उसको आज़ाद करने के लिए, क्योंकि जूरी मेंबर्स ने उसे क्या पाया, नॉट गिल्टी पाया, बेकसूर पाया, तो मेरा मुतबादिल तरीका नहीं था, इसलिए मैंने उसको आज़ाद कर दिया। जेन, इट वॉज यू माई लॉर्ड, वो आप थे मालिक, एज सोन एज यू एंटर द कोर्ट, जो ही आप कोर्ट के अंदर दाखिल हो गए, एंड सेट डाउन ऑन योर सीट ऑफ जस्टिस, जो ही इंसाफ की कुर्सी पर आप बैठ गए, यू लुक्ड एट हेक्टर, आपने हेक्टर की ओर देखा, एंड आई सेट टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप से ही पूछा, माई सन इज सेफ, मेरा बेटा अगर है अब वो सेफ है। जज, मिस लोमोंड, आई आस्ट पॉइंट आउट टू यू, मैं आपको क्या पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, दैट आई नेवर डिस्कस एनी केस, मैं किसी के साथ डिस्कस नहीं करता हूँ किसी केस के बारे में, पर्टिकुलरली खासकर क्रिमिनल केस के बारे में किसी से बात नहीं करता हूँ, एंड अबो ऑल ट्रायल, मतलब पूरे मुकदमे में, फॉर मर्डरर, अगर किसी ने कत्ल किया हो, मैं उसके साथ किसी से बात नहीं करता हूँ। विद एनी इंटरेस्ट पार्टीज, मतलब कोई इंटरेस्टेड पार्टी अगर आ जाएगी, वो कहेगी इसने कत्ल किया है, मैं इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ मैं उनके साथ बात करूँ, बट एलो मी, मुझे इजाजत दो, हाउएवर टू से दिस, ये कहने के लिए मुझे इजाजत दो, आई हैड नो प्रेजुडाइस वन वे और द अदर, मुझे एक तरफ से दूसरे रास्ते पर ताकुब नहीं था, मतलब ये मुझे नहीं था, कौन जीते क्या करे ये जूरी मेंबर्स का काम था, मेरा काम जो था मुझे फैसला करना था, आई डिपेंड ऑनली अबाउट द जूरी मेंबर्स, एंड वॉट विल बी देयर वर्डिक्ट, ऑनली बेस्ड ऑन द जूरी मेंबर्स। Your son was found not guilty. आपका बेटा जो था वो बेकसूर पाया गया by the jury, jury members के जरिए, and so I set him at liberty. इसी वजह से मैंने उसको आज़ाद कर दिया। जेन quietly, खामोशी से, you saved my son, आपने मेरे बेटे को बचा लिया। जज पेशेंटली, बड़ी सब्र के साथ,
वेरी वेल, चलो ठीक है। एंड यू केम ऑल दिस लॉन्ग वे, आपने इतना लंबा रास्ता तय किया। एंड सो एंड ऑन सच एज सच अ नाइट टू टेल मी दिस, पूरी रात है आपको ये कहने के लिए, आपने बहुत लंबा सफ़र किया, आप आराम करो, पूरी रात पड़ी है, बाकी मैं उसकी बात सुनूंगा। जेन, यस एंड आई एम ब्रिंगिंग यू माई लॉर्ड फॉर यू एंड योर फ्रेंड, इसीलिए मैंने आपको लाया आपके और आपके दोस्त को, ए बास्केट फुल ऑफ सी ट्राउट, एक बड़ी टोकरी मछलियों से। किन मछलियों से? ट्राउट मछलियों से मैंने आपके लिए बेट लाई है, प्रेजेंट गिफ्ट लाया है आप दोनों के लिए। जज हेरिडली, उसने जल्दी से कहा, आई कुड नॉट पॉसिबली एक्सेप्ट इट, मैं मुमकिन नहीं है कि मैं इसे एक्सेप्ट कर लूँ। जेन, दे आर नॉट ईजी टू गेट नाउ एंड आई कार्ड देम माई सेल्फ, मतलब ये आसानी से नहीं मिलती है ये ट्राउट्स, मैंने इनको खुद से पकड़ा है, मैंने इन्हें खुद बाजारी खुद पकड़ ला है। जज, इट इज़ वेरी काइंड ऑफ यू, बट ये आपकी ये मेहरबानी है, लेकिन लेकिन क्या, ये हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह रहमान पार्ट नंबर 3 में। अब सीन जो है, दो आदमियों जज ब्रोडी और लॉमोंड के दरमियान जो केस अब है वो इसी रूम में हो जाएगा इंशाल्लाह रहमान, कल अब हम ये क्लियर करेंगे। थैंक यू माई डियर स्टूडेंट्स, Tomorrow we will read third part of this lesson. Thank you.